अद्भुत अद्भुत। वाह वाह बहुत वाह कपूसेना वाह। थैंक यू। जबरदस्त पूरा अंतरिक्ष लेके खड़ा कर दिया है। अरे अय्यर भाई क्या हुआ आपका मुंह क्यों अचानक उतर गया? डेकोरेशन अच्छा नहीं लगा क्या? अय्यर तुम तो वैज्ञानिक हो भाई, गणपति जी को इस चंद्रयान के साथ देख के तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए भाई, दुखी क्यों हो? क्या मैं तो था कि चंद्रयान 2 को लेकर मैं अभी भी डिसअपॉइंटेड हूँ। हमारा विक्रम लैंडर चांद के सरफेस से 2.1 किलोमीटर दूर था तभी उससे कनेक्शन टूट गया। अगर ये हमारा मिशन 100% सक्सेस हो जाता ना तो पूरी दुनिया में इंडिया का और इंडिया के साइंटिस्ट का डंका बज जाता। अरे मन क्यों छोटा करते हो यार, अभी भी पूरी दुनिया में भारत का और भारत के वैज्ञानिकों का डंका बजा है। अरे भाई भारत में भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया चंद्रयान 384,318 किलोमीटर पार करके चांद तक पहुंचा है, हमें इस चीज की खुशी मनानी चाहिए, न कि इस बात का दुख कि 2 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया। विज्ञान का मूल ही प्रयोग होता है, प्रयोग कभी सफल होंगे कभी असफल होंगे बिल्कुल, लेकिन हर असफलता हमारे लिए एक सीख लेके आती है और उसी सीख से विज्ञान आगे बढ़ता है। इसलिए भले ही चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया, हम लोगों का संकल्प नहीं टूटा है। यस मेहता साहब यस, अभी हमारे साइंटिस्ट और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे। गणपति बप्पा हमारे साथ में है तो हम चांद पर क्या पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकते हैं। बोलो गणपति बप्पा। टपू सेना, I must say, your surprise decoration has taken all of us by surprise. Thank you. पर बापूजी रॉकेट तो देखो कितना मस्त बनाया है, ऐसा लग रहा है एकदम रियल आबे होता है ना वैसा ही है। खाली साइज में थोड़ा छोटा है। बिल्कुल नहीं जेडलाल, उसको रॉकेट नहीं स्पेस शटल बोलते हैं। पता है अंग्रेजी में वो बोलते हैं, लेकिन मैंने हिंदी में बोला भाई, हिंदी में तो रॉकेट ही बोलते हैं ना। वैसे जेठाल रॉकेट भी अंग्रेजी शब्द ही है। रॉकेट अंग्रेजी शब्द है? हाँ अंग्रेजी। रॉकेट? हाँ। तो पॉकेट अंग्रेजी, लॉकेट वो भी अंग्रेजी है जेठालाल, सॉकेट अंग्रेजी, जैकेट अंग्रेजी जेठालाल। ओहो मतलब मैं इतना अंग्रेजी बोलता हूँ तो ये मतलब तो रॉकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में अवकाश यान बोलते हैं जेठालाल। अरे जेठालाल ये चंद्रयान है, चंद्रयान 2। पता है क्या? पता है पहले आप बताओ आपको क्या पता है? अरे भाई तुम सब लोग क्या बहस लेकर बैठ गए? अरे टपू सेना ने इतना अच्छा डेकोरेशन किया है वो देखो ना सब लोग। नहीं ये बात तो माननी पड़ेगी चाचा जी, इतने कम समय में इतना शानदार डेकोरेशन किया है कि भाई कमाल है। थैंक यू अंकल, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना सिर्फ और सिर्फ पापा के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। ये सब करने की प्रेरणा हमें गणपति पापा ने ही दी। देख जेठिया चांद पर विराजमान हमारे गणपति बापा कितने प्रभावशाली लग रहे हैं। हाँ चाचा जी हमारे गणपति बापा तो चांद पर बैठे ही हैं और हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हम भी चांद पर पहुंच जाएं। अरे पहुंच जाएं क्या, पहुंचेंगे ही, एक दिन जरूर जाएंगे। और मेहता साहब सिर्फ पहुंचेंगे नहीं वहाँ जाके बसेंगे भी। हाँ ये अगर जो चांद पर बजना पॉसिबल हुआ ना तो मैं इसरो को रिक्वेस्ट करेगा कि सबसे पहले जेठालाल को वहाँ पर बसा दे। क्यों क्यों क्या है जेठालाल, तुम चांद पर बसेगा तो चांद पर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोलने का रिकॉर्ड भी तुमको मिलेगा ना। अरे फिर तो पोपटलाल की भारत भी चांद पे। लेकिन सेठ जी चांद पे हमारी पगार अलग होगी, हाँ धरती वाली पगार नहीं चलेगी क्योंकि रोज की ट्रैवलिंग बहुत होगी ना। नंदू काका ट्रैवलिंग करने का सवाल ही नहीं उठता है क्या? तुमको जयदलाल को और बागा को परमानेंट उधर ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं अय्यर भाई मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अपने साथ सी विंग बी विंग ए विंग पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को साथ में लेके जाऊंगा भाई, अकेला तो जाऊंगा ही नहीं, सब बातें तो मैं जाऊंगा क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है।